नमस्कार, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। इस हथेली को अगर हम देखते हैं तो हथेली एक चौकोर भी है और कहीं ना कहीं एक आयताकार भी है। मानी मेहनत तो करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती है, लेकिन सही दृष्टिकोण रख करके सही दिशा में मेहनत करने की इच्छा रहती है और कोशिश करते हैं। वर्तमान समय देखें तो वर्तमान समय में पूरी हथेली में जहाँ तहाँ बहुत सारी रेखाएं दिखाई दे रही है, किसी न किसी कारण से हल्के रूप में उलझन बनी हुई दिखाई दे रही है। वही संघर्ष का समय भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर हथेली में देखें तो जो बृहस्पति है उसका थोड़ा सा झुकाव शनि की ओर दिखाई दे रहा है और शनि पे बहुत छोटी छोटी रेखाएं भी दिखाई पड़ रही हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं परिवार से संबंधित परेशानियां भी निश्चित तौर पे जीवन में इंगित करती हुई ये रेखाएं दिख रही हैं। लेकिन बृहस्पति पर्वत का बहुत ज़्यादा उभार लेना जीवन काल में कहीं ना कहीं थोड़ा सा महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाता है और जीवन काल में व्यक्ति की ईगो प्रॉब्लम को भी दिखाता है। अहम की भावना ज़्यादा रह सकती है, इस ओर थोड़ा ध्यान देना होगा। वहीं उंगलियों का अगर हम झुकाव देखें तो बृहस्पति की उंगली का झुकाव शनि की तरफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाले व्यक्तियों में से एक है, अच्छी खासी आस्था बनी हुई है, धर्म के मामले में सुदृढ़ है। वहीं अगर हम बीच की उंगली देखें, सीधी है लेकिन थोड़ा ऊपर से इस तरह से टेढ़ी हो रही है, लंबी है। बुद्धिमत्ता से विवेकीपूर्ण ढंग से काम लेते हैं, व्यवहार करते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा मेहनत के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है। और अगर हम यहाँ पर देखें, सूर्य की उंगली शनि की उंगली की तरफ मुड़ी हुई है। फेम पाने की इच्छा जीवन में बहुत ज़्यादा है, अपना वर्चस्व बना रहे, किसी न किसी क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा सर्वोपरि रहे और धन के मामले में अच्छा खासा धन हो जाए, इसकी इच्छा बनी हुई है। हिम्मती स्वभाव है, रिस्क लेने की क्षमता भी अच्छी दिखाई दे रही है। वहीं वर्तमान में देखें तो इन उंगलियों का झुकाव बीच की उंगली की तरफ है, थोड़ा शनि का नेगेटिव प्रभाव पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है और जीवन में खुशियों में कमी देने का काम ये करता है। और तीसरा पौरवे को अगर हम देखते हैं तो इसमें थोड़ा खर्चीला स्वभाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तेली में पैसे तो आते हैं लेकिन उस रूप में बच नहीं पा रहे हैं, टिक नहीं पा रहे हैं, सेविंग नहीं कर पा रहे हैं जिस रूप में इसको सेविंग होना चाहिए था, पैसों का बचाव होना चाहिए था। वहीं अगर हथेली में देखें, एक रेखा इस तरह से निकलकर गुरु की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति को व्यापारिक सफलता दिलाती है, व्यापार में व्यक्ति सफलतम स्थिति में जाता है। और इस तरह की रेखा बृहस्पति पर्वत पर अगर पहुंच जाती है तो व्यक्ति को अत्यधिक सफलता मिलती है, सूर्य पर्वत के ठीक होने पर, अनुकूल होने पर। ऐसे व्यक्ति में नेतृत्व प्रतिभा और महत्वाकांक्षाओं की कमी नहीं रहती है और इसी के बल पे व्यक्ति जो है आगे बढ़ता है। बहुत सुंदर रेखा है, बहुत बढ़िया रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम यहाँ पे एक चीज़ की अगर देखें तो आपकी जो भाग्य की लकीर है वो आपकी जीवन की रेखा से निकलती हुई शनि की ओर जा रही है। जब भी भाग्य की लकीर जीवन की रेखा से निकलती हुई प्रतीत होती है तो व्यक्ति का नसीब बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके लिए एक शर्त होनी बहुत ज़रूरी है। हथेली अगर इसके साथ साथ पिंक कलर की हो जाए, गुलाबी लिए हुए हो और मुलायम हो और उंगलियों के ये जो आधार है एक समान हो तो व्यक्ति का नसीब ही अच्छा नहीं होता है, बल्कि उसके साथ साथ भविष्य में धन आने की अपार संभावनाएँ व्यक्ति के जीवन में आती है। आपकी हथेली में भाग्य की रेखा तो बहुत सुंदर है, अच्छी मात्रा में है। 33वें वर्ष से ये बहुत अच्छा प्रभाव आपके जीवन में दे रही होगी, लेकिन शनि के पर्वत
में दोषयुक्त होने के कारण और भाग्य स्थान होने के कारण संघर्षों का सामना भी तकरीबन 2.5 से 3 वर्षों तक आपको निश्चित रूप से करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद और यहाँ पे संभवतः 35 से लेके 55वें साल तक व्यक्ति अच्छा खासा धन कमाएगा, इस ओर इशारा आपकी हथेली कर रही है। वहीं देखिए जीवन की रेखा से निकलकर एक रेखा प्रोग्रेस रेखा ऊपर की ओर जारी है और बृहस्पति से यहाँ पे युक्ति बनाती हुई दिखाई दे रही है। आप में अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के गुण भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसा व्यक्ति यदि शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में या मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम करता है तो कामयाबी जल्दी पाता है और विदेश यात्रा का भी ऐसे व्यक्तियों को मौके अच्छे खासे मिलते हैं, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम देखते हैं कि आपकी हथेली में एक शानदार मंगल की रेखा भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, जो आपकी प्रतिभा को, आपकी तीव्र बुद्धि को यहाँ पे इंगित करती हुई नजर आ रही है। जीवन काल में आपको लोगों का, दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलेगा और ईश्वर की जो कृपा है आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। आप में सोचने और समझने की शक्ति भी विशेष रूप से मौजूद है और एक खासियत है कि जीवन में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसे अंत तक निभाएं और ये सामर्थ्य भी आपके अंदर है। आपका जो व्यक्तित्व है अपने आप में बहुत अच्छा प्रभावशाली रहने वाला है, इस ओर ये संकेत कर रही है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इस रेखा, ये रेखा हो और भाग्य की रेखा भी हो तो निश्चित रूप से व्यक्ति को अचल संपत्ति का अपने जीवन काल में अच्छा खासा मौका मिलता है, अच्छा खासा अर्जन करता है व्यक्ति, प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं। वहीं अगर आप यहाँ पे देखो तो इस तरह से बृहस्पति पर्वत पर एक सुंदर मछली का चिन्ह बन रहा है। बृहस्पति पर्वत के अनुकूल होने पर, अभी बृहस्पति जी अनुकूल नहीं है, बहुत ज़्यादा उभरे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा उभरा होना ठीक नहीं माना जाता है। बृहस्पति जब अपने अनुकूल स्थिति में आएंगे, इसका मैं उपाय आपको विधिवत तरीके से लिख करके दे रहा हूँ, आप श्रद्धा भाव से, आप अनुशासनात्मक ढंग से यदि उसको करेंगे तो निश्चित रूप से आपका धन का ग्रह, आपका व्यापार का ग्रह और आपकी प्रतिष्ठा का जो ग्रह है, आपके वर्चस्व का जो ग्रह है, वो ग्रह जो है अपने अनुकूल स्थिति में आएगा। और जो मछली है वो तो क्रिएटिव बनाती है, जो मछली है वो सौभाग्यशाली चिन्ह है, इस चिन्ह का फायदा आपको मिलेगा और आप अपनी मेहनत और अपनी जो है प्रतिभा के बल पर दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति निश्चित रूप से करेंगे। और ये चीज़ जरूर है कि अपने समाज में प्रतिष्ठा, खूब लोकप्रियता हासिल निश्चित रूप से करेंगे। ये बहुत सुंदर चिन्ह है, ये बृहस्पति गुरुश्रेष्ठ आचार्य पे बनने वाला चिन्ह है, बहुत सुंदर है। मछली को वैसे भी बहुत अच्छा माना जाता है, जिस ग्रह में बैठती है उस ग्रह के गुणों में वृद्धि करती है। वहीं अगर यहाँ पे देखा जाए तो इस तरह से जो है एक गुणा का चिन्ह भी बन रहा है। दाम्पत्य जीवन में आगे आने वाले समय में बृहस्पति के अनुकूल होने पर बहुत अच्छा फल मिलेगा, सुंदर दाम्पत्य जीवन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो जीवन के शुरुआती में थोड़ा जो है संघर्ष ज़्यादा रहा होगा, लेकिन आने वाले टाइम पे कम होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे अगर एक चीज़ देखें तो 48 से 54वें वर्ष में आपकी राहु की रेखा सूर्य से युक्ति बनाती हुई दिखाई दे रही है और निश्चित तौर पे उसमें सूर्य के गुणों में वृद्धि करेगी और सूर्य के गुणों में वृद्धि करके आपके मान सम्मान यश में वृद्धि निश्चित तौर पे होगी और जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में विस्तार आपको अपने जीवन काल में मिलेगा। अब अगर हम आपके अंगूठे को देखते हैं तो अंगूठा आपका लंबा है, पीछे की तरफ ढला है, शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका यहाँ पे बताया जा रहा है, लचीला भी है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है,
लॉजिक भी बहुत अच्छे लगाते हैं, तर्क शक्ति बहुत सुंदर है। यहाँ पे यव का चिन्ह भी बनता हुआ नजर आ रहा है। अपने आप को अपनी कमाई हुई पैसों से अपने घर का सुख निश्चित तौर पे प्राप्त होगा, इस ओर जो है ये इशारा कर रहा है। इसके नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। इसके बारे में मेरे सभी व्यूअर्स जानते हैं, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सभी चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका सुंदर और पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में ये उभरा हुआ है लेकिन अनुकूल स्थिति में ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में पर्सनैलिटी को तो ये निखार करके रखेगा, हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता तो रखेगा, नई चीज़ों के प्रति रुझान भी रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक दबाव आपके ऊपर रखेगा। ये कहीं ना कहीं जो है किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, चिंता भी कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम के बाद भी विस्तार यहाँ पे थोड़ा कम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपरी मंगल देखें, ये निम्न मंगल जिसे कहते हैं, ये अच्छा है, सुंदर स्थिति में है, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, हिम्मती स्वभाव के व्यक्ति हैं। यहाँ पे आपकी जीवन की रेखा को देखें, जीवन की रेखा आपके नीचे की तरफ केतु की तरफ चलती हुई दिखाई पड़ रही है। जीवन में प्रगति तो होगी, जीवन में उन्नति तो निश्चित रूप से होगी क्योंकि और भी रेखाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन उतार चढ़ाव जीवन में बना रहेगा, कभी बहुत सुंदर होगा तो कभी डाउन चला जाएगा, जीवन में उतार चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन संकट बहुत बड़ा नहीं है, कठिनाइयां बहुत जो है अपार नहीं है, सुंदर चलेगा जीवन, उन्नति करने वाले व्यक्तियों में से एक है। मस्तिष्क रेखा बड़ी अच्छी है, चंद्रमा की तरफ मुंह लिए हुए है, कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा रहेगी, क्रिएटिव रहेंगे और जीवन काल के लिए सुंदर योजनाएं बनाकर उन पर कार्य करेंगे। हृदय रेखा की बात मैंने कर ली, भाग्य रेखा की बात मैंने कर ली और रेखाओं की मैंने बात कर ली है, शनि का पर्वत की बात मैंने कर ली बृहस्पति के साथ साथ, और अब हम सूर्य को देखते हैं। सूर्य में यश का एक चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक त्रिकोण का चिन्ह भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कई रेखाएं इसको काट रही हैं तो इसका कोई फल आपके जीवन में मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। जब ये ठीक होगा तब की बात अलग है, तब क्या फल देती है ये, लेकिन वर्तमान समय में ये दोषयुक्त है, तो वर्तमान समय में आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा जो श्रेय आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, पूरा जो क्रेडिट आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, जिस तरह से योग्यता है, जिस तरह से जो है आपके अंदर क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, जिस तरह से विस्तार होना चाहिए था वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है, वो रास्ता नहीं मिल पा रहा है। आपको अगर अपने जीवन में उन्नति करनी है, प्रसिद्धि पानी है, जीवन में वर्चस्व पाना है, जीवन में निखार पाना है, तो सूर्य को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। इसका उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके आपको भेज रहा हूँ, ये भेजा हुआ है मैंने, आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा शनि के गुण आ रहे हैं तो बेवजह की कभी कभार चिंता हो सकती है। हृदय रेखा पे देखें तो इस तरह से एक त्रिभुज भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने जीवन काल में या तो आपने अपनी भूमि खरीद ली होगी या अब खरीदेंगे, लेकिन मल्टी प्रॉपर्टी के योग यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। छोटा काम भी करेंगे तो नाम पाने की इच्छा ज़्यादा प्रबलता लिए हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर हम आपकी कनिष्ठा उंगली देखें, बहुत अच्छी लंबाई ली हुई है, सूर्य के पहले पौरवे तक पहुँचती हुई नज़र आ रही है। इस अवस्था को अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था माना जाता है। अगर कनिष्ठा बुध की उंगली सूर्य की उंगली के पहले पौरवे तक पहुंच जाती है तो ये बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। इस प्रकार का व्यक्ति निश्चित रूप से या तो व्यापारी होता है या अधिकारी होता है, किसी रूप में अगर देखा जाए तो उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ वो सफल व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। जीवन में कुछ ऐसे करने की इच्छा जो है प्रबल होती जा रही है, जिन श्रेष्ठ कार्यों के लिए
लोग सदैव आपको याद रखें। सुंदर है, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए भी बहुत सुंदर है, लेकिन आपका बुध का पर्वत अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में व्यक्ति अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रख नहीं पाता है या जहाँ पे रखनी चाहिए वहाँ पे भूल जाता है। दूसरी बात, अगर ये पर्वत दूषित हो, कमज़ोर हो, तो व्यक्ति अगर कितना भी मेहनत करे, भौतिक सुख सुविधाएं उस रूप में नहीं मिल पाती हैं जिस रूप में मिलनी चाहिए, और व्यक्ति का व्यक्तित्व भी, सुंदरता भी उतनी नहीं रहती है जितनी रहनी चाहिए। इसके लिए बुध को आपको प्रबल करना, सुंदर करना बहुत ज़रूरी है। बुध जब सुंदर होते हैं, जब आप हरी सब्जियों का, हरे फलों का, हरी दालों का नियमित रूप से सेवन करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाने में सेवन करें, सुबह और शाम को 108 बार गायत्री महामंत्र का जाप निश्चित तौर पे करें, बोल बोल कर, जप करके नहीं, किसी माला से नहीं जपना है, केवल बोल बोल कर एक आसन में बैठकर आप भावना के वशीभूत होकर इस चीज़ को कर सकते हैं। दूसरी बात, सुबह ब्रश करने के बाद 2 पत्ते तुलसी का अगर सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से आप संडे को छोड़कर करें तो फायदा होगा। ऊपरी मंगल आपका देखें बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, अच्छे इसमें दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो निडर हैं, साहसी हैं, निरंतर कुछ रेखाएं इस तरह से आ रही हैं, भाग्य रेखा को भी काट रही हैं, मस्तिष्क रेखा को भी काट रही हैं। जीवन काल में पैसा तो आ रहा है हथेली में, लेकर इन रेखाओं की वजह से पैसा टिकना थोड़ा मुश्किल होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छे पर्वत की ओर चले, जिसको हम चंद्रमा कहते हैं, ये बहुत सुंदर अवस्था में है। ये आपको मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। शरीर में चाहे समस्याएं हो भी, तो भी इसके कारण मन मजबूत बना हुआ है, और चंद्रमा इस तरह से मजबूत हो जाए तो व्यक्ति का पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है, शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी बढ़िया हो जाता है, और चंद्रमा अच्छा है तो व्यक्ति क्रिएटिव होता है। चंद्रमा बढ़िया हो, इस तरह से सुंदर हो, इस तरह से खूबसूरती ली हुई हो, तो जीवन में जो है माँ है तो माँ का सुख मिलता है। चंद्रमा हथेली में बेहतर हो और बेहतर होता जाए तो जीवन में महिलाओं का सहयोग भी मिलता है, सकारात्मक सोच बनी रहेगी, जीवन काल के लिए सुंदर और भव्य योजनाएं बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, साथ में उपाय लिख करके विधिवत तरीके से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करिएगा, निश्चित तौर पे जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही, एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।